हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर मार्केट वीडियो। आज हम एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली एनसीआर की एक बहुत ही फेमस फर्नीचर एंड होम डेकोर मार्केट, बंजारा मार्केट। सब बोलते हैं कि ये मार्केट बहुत ही सस्ती है और बहुत ना यूनिक चीज़ें एकदम अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाती हैं यहाँ पर। सो लेट्स एक्चुअली फाइंड आउट इफ इट्स ट्रू और नॉट। आज हम पूरी मार्केट कवर करने वाले हैं फ्रॉम ए टू जी, एक भी कोना नहीं छोड़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो ये मार्केट ना इधर से उधर शिफ्ट होती रहती है, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है इसका हमेशा ही कन्फ्यूजन रहता है। सो करेंटली इट इज इन गुड़गांव सेक्टर 58 घाटा विलेज, एंड जो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है दैट इज सेक्टर 55-56 रैपिड मेट्रो। आपको गेट नंबर 1 से एग्जिट लेना है और वहीं से आपको ना ऐसे लाइन से ऑटो मिल जाएंगे, ये आपको 50-60 रुपए में घाटा विलेज ले जाएंगे। एंट्री करते ही जहां नजर घुमाओगे ना वहां आपको क्रॉकरी ही क्रॉकरी नजर आएगी, एंड द कलेक्शन इज इनसेन। हर कलर, हर डिजाइन, हर पैटर्न, मतलब आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ले और क्या नहीं। मुझे तो हर चीज पसंद आ रही थी, दिल कर रहा था कि सभी ले जाऊं। फुल साइज प्लेट से लेकर क्वार्टर साइज प्लेट सब था यहाँ पर, एंड जो फुल साइज प्लेट्स का प्राइस है दैट इज 100-150 रुपीज आफ्टर बार्गेनिंग, एंड जो क्वार्टर साइज प्लेट्स हैं ये आपको 60 रुपीज में मिल जाएंगी। स्नैक्स सर्व करने के लिए जो प्लेटर्स हम कैफेज वगैरह में देखते हैं ना वो भी थे इनके पास। प्लेट्स के साथ मैच करके आप मैचिंग सर्विंग बोल्स भी ले सकते हो, उसके भी काफी ऑप्शन है यहाँ पर। एंड मुझे जो सबसे सुंदर और यूनिक सेट लगा था वो था ये वाला, इसका प्राइस उन्होंने मुझे 900 बोला था, बट आई एम श्योर बार्गेनिंग करके तो बहुत सही प्राइस में मिल जाता मुझे ये। पास्ता प्लेट्स एंड रामेन बोल्स का प्राइस ना वो 150 बोलते हैं, बट 80 या 100 रुपए तक आराम से मान जाते हैं। मैं खुद लेकर आई हूं जो मैं आपको आगे हॉल में दिखाऊंगी। एंड ये ना कुछ क्लाउड शेप कप्स थे जो आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी है, 500 एंड इवन 1000 के मिलते हैं ये वहां पर, बट यहां पर ये थे सिर्फ फ्लैट 100 रुपीज में विदाउट एनी बार्गेनिंग। देखने में थोड़े गंदे लग रहे हैं बिकॉज ये ना खुला एरिया होता है, सो इधर डस्ट वगैरह जल्दी अट्रैक्ट होती है, बट क्वालिटी वाइज एकदम टॉप नॉच थे। एंड फिर थोड़ा सा आगे चलते ही ये शॉप थी फॉर ऑल माई कैंडल लवर्स, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कैंडल होल्डर्स थे। जो छोटे वाले कैंडल होल्डर्स थे ना ये 50-100 रुपीज के थे, एंड जो बड़े वाले थे ना इनका प्राइस अच्छा 200-500 के बीच में। एंड इनके पास ना कैंडल्स की भी काफी अच्छी कलेक्शन थी, इतने बड़े बड़े टब्स थे कैंडल्स के, एंड ये सारी सेंटेड कैंडल्स है। मतलब कैन यू बिलीव इट कि बंजारा मार्केट में सेंटेड कैंडल्स मिल रही है। आई वॉज इन शॉक, एंड मैंने ना इसमें से एक पर्सनली स्मेल भी किया था एंड दे वर स्मेलिंग सो गुड। ये जो मेरे हाथ में है दिस वॉज फॉर 600 रुपीज, एंड आई थिंक 1 kg से ऊपर था इसका वेट, सो इट वॉज अ प्रीटी गुड डील। अगर आपको डस्ट से एलर्जी है ना तो मैं रिकमेंड करूंगी कि एक मास्क तो जरूर साथ में लेकर आना। देन आई वेंट टू शॉप नंबर 14, यहाँ पर लैम्प्स की बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी। आई एम श्योर आपने ये लैम्प्स हर इन्फ्लुएंसर के पास देखा ही होगा, अमेज़न पर तो 1700 का मिलता है ये, बट यहां से मैंने ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में लिया ये लैम्प, जो मैं इसका एग्जैक्ट प्राइस आपको हॉल में बताऊंगी वीडियो के एंड में। एंड अगेन शॉप नंबर 14 में ही ये व्हाइट टेबल्स की बहुत वास्ट कलेक्शन थी, इनके ऊपर ना ये व्हाइट मार्बल लगा हुआ है विच लुक सो क्लासी। हर डिजाइन राउंड, स्क्वायर, ट्रॉली, छोटा, बड़ा, हर एक पॉसिबल शेप एंड साइज था यहाँ पे, जिनका प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाता है फॉर 500-1500 डिपेंडिंग अपॉन द साइज। एक चीज जो आपको बंजारा मार्केट में हर जगह मिलेगी दैट इज सेरेमिक्स। ये शिमला मिर्च देखो यार, इट इज सच अ क्यूट आइटम फॉर डिस्प्ले, आप अपने इसमें रिंग्स स्टोर कर सकते हो। हर तरीके के वेसेस यहां पर मिल जाएंगे जो आपको इंस्टाग्राम स्टोर पर बहुत महंगे महंगे रेट्स पर मिलते हैं, जैसे कि ये डोनट वासेस फॉर 150 रुपीज, छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े जो भी ट्रेंडिंग डिजाइन है ना वो आपको इस मार्केट में मिल जाएगा 100 या 200 रुपए में। दिस मार्केट इज लिटरली अ जेम। ऐसे सेरेमिक शो पीसेस मिल जाएंगे आपके घर की शोभा बढ़ाने के लिए जो बहुत ही सुंदर लगते हैं, एंड सेरेमिक सोप डिस्पेंसर्स बहुत अच्छी कलेक्शन थी, 100 या 150 रुपीज में आप यहां से ले जा सकते हो। एंड दी हाईलाइट वाज द शेल सोप होल्डर्स, मैंने कहीं नहीं देखा ये वाला डिजाइन, सो बहुत ही क्लासी था ये, एंड ये भी सिर्फ 150 रुपीस का ही था। बंजारा मार्केट ना बहुत फेमस है यहाँ के मिरर्स के लिए, आपको यहाँ पे 5 से 6 शॉप्स मिल जाएंगी जो ऐसे स्टैंडिंग मिरर्स की होंगी, व्हाइट, ब्लू, ब्राउन, टील कलर्स में मिरर्स मिल जाएंगे जो काफी क्वकी एलिमेंट ऐड करते हैं टू योर होम। प्राइस आपको बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाएगा, जैसे 5000-6000, बट बार्गेन करना, एंड ट्रस्ट मी मेरी फ्रेंड ने यहाँ से ये बड़ा वाला मिरर लिया है सिर्फ 2600 में, एंड पैकेजिंग की कोई टेंशन नहीं है, पैकेजिंग आपको एकदम सिक्योर्ड ऐसे बॉक्स में देंगे, सो उसका तो कोई इशू ही नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शॉप, यहाँ पर आपको ऐसे पूफ स्टूल्स मिल रहे थे फॉर 600 रुपीज, जो आपको अमेज़न पर 1500 के मिलते हैं। सिंपल प्लेन वाले डिजाइन भी थे, एंड ये मैक्रेम वाला ऑप्शन भी था यहाँ पे, बहुत अलग अलग पैटर्न में अवेलेबल थे, सो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। मैक्रेम वाले वॉल हैंगिंग्स, मिरर वर्क में भी काफी कुछ था यहाँ, ऐसी चीजें ना आपके घर में बोहो एलिमेंट ऐड करते हैं। सो दिस इज शॉप नंबर 53, आपको ये बिग बॉस की आंख वाला वॉल हैंगिंग भी मिल जाएगा, एंड बार्गेनिंग का भी काफी स्कोप था। अब बात कर लेते हैं थोड़ा रग्स एंड रनर वगैरह की, दिस इज शॉप नंबर 108। मुझे सबसे अच्छी कलेक्शन ना यहीं की लगी, ये वाला रग इतना सॉफ्ट था और इतना एस्थेटिक भी लग रहा था, ओनली फॉर 600 रुपीज। यहाँ पर ना आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो ये वाले रग्स होते हैं ना टेडी फील वाले एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, इसका प्राइस उन्होंने मुझे 1400 बोला था, बट आंटी बहुत स्वीट थी, उन्होंने बोला था कि 800 में मैं दे दूंगी। ये वाला बेड रनर उन्होंने मुझे खुद 500 बोला था, सो प्राइस रेंज मुझे इस शॉप की काफी अच्छी लगी, एंड कलेक्शन तो अच्छी थी ही। जैसे जैसे आप और
अंदर जाते रहोगे मार्केट में आपको और क्रॉकरी वगैरह मिलेंगी एंड यहाँ के प्राइस कंपेरेटिवली लोअर थे, सो बार्गेनिंग अच्छी खासी हो सकती है। ऐसे बड़े बड़े प्लांटर्स मिल जाएंगे आपको फॉर 200 रुपीज अगर आपका बालकनी गार्डन है या फिर टेरेस गार्डन है, सो काफी मस्त एडिशन है। ऐसे प्लांटर्स बहुत अच्छी वाइब क्रिएट हो जाती है। देन ये एक शॉप थी जो मुझे बड़ी यूनिक सी दिखी, जहां पर आपको ऐसे बड़े बड़े बुद्धा स्टैचू, गणेशा, वाहेगुरु जी के आइडल्स मिल रहे थे। अगर आपका नया नया घर बन रहा है सो आप ना इन्हें अपने घर की एंट्रेंस में लगा सकते हो। ऐसे एंटीक लैम्प्स, एंटीक पीसेस, यू नो लालटेन्स वगैरह, इन सबकी कलेक्शन थी इनके पास। डिफरेंट डिफरेंट शो पीसेस फॉर योर लिविंग रूम, ये सब चीजें ना आपके घर में एक यूनिक एलिमेंट ऐड करती हैं। सीनरीज बहुत अच्छी थी, लैम्प्स भी थे इनके पास एंड वॉल क्लॉक्स बहुत ही यूनिक, एंटीक, क्लासी, हर स्टाइल की वॉल क्लॉक्स दिखी मुझे यहाँ पे। दी ओनली थिंग जो मुझे थोड़ी सी खटकी दैट वॉज दी प्राइस पॉइंट। एक वॉच का प्राइस मुझे 4000 बताया गया था एंड आई वॉज इन शॉक, मतलब डबल ट्रिपल करके प्राइस बता रहे हो यार। सो मेक श्योर टू बार्गेन अलॉट बिकॉज हमारे पास भी पैसे पेड़ पर तो उग नहीं रहे हैं, तो ये लोग जानकर ही हाई प्राइस बताते हैं इतना। देन यहीं पर मैंने ये फाउंटेन्स वगैरह भी देखे जो आपके घर के एंट्रेंस या टेरेस पर बहुत अच्छे लगते हैं। सो इफ दिस इज समथिंग दैट एक्साइट्स यू, डेफिनेटली यू कैन कम हेयर एंड शॉप। नेक्स्ट ये शॉप थी जहां पर ऐसे बहुत सुंदर सुंदर कोस्टर्स मिल रहे थे, जूट वाले कोस्टर्स एंड जो नॉर्मल होते हैं कपड़े वाले विद यूनिक डिजाइन एंड पैटर्न्स। आप इनको डाइनिंग टेबल पर रखो, उसके ऊपर खाना सर्व करो, उफ सो क्लासी। मैंने भी ऐसे 3 कोस्टर्स लिए। वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि आराम से चेक कर लेना कि कोई डिफेक्टेड पीस ना हो, सिलाई वगैरह ना उधड़ी हो। बाकी वैरायटी तो मुझे बहुत अच्छी लगी एंड डोंट फॉरगेट टू कैरी कैश बिकॉज किसी किसी शॉप में ना पेटीएम का ऑप्शन नहीं है, सो टू बी ऑन द सेफर साइड थोड़ा सा कैश जरूर कैरी कर लेना अपने साथ। दिस इज शॉप नंबर 36। यहाँ पर ना सब कुछ गोल्ड एंड ब्रास का था, लाइक अगर आपके घर के एस्थेटिक्स गोल्ड है यू नीड टू कम हेयर। एंड क्या कुछ नहीं था यार यहाँ पे, ऐसे एंटिक्स, गोल्ड कैंडल होल्डर्स, इतने सुंदर सुंदर लैम्प्स, गोल्डन वेजेस एंड आई मीन आई एम सोल्ड। इतने स्टर्डी अच्छी क्वालिटी के वासेस थे ये फॉर 600 रुपीज, कोई भी नहीं बोल सकता कि ये इतने सस्ते होंगे। एंड ये जो आप ऐसे गोल्डन प्लांट होल्डर्स देखते हो ना अमेजोन पे 1200-1400 के, यहाँ पे इतने कम रेट्स में थे। मैंने आपको स्टैंडिंग मिरर्स तो दिखा दिए थे बट यहाँ पर ना ऐसे हैंगिंग मिरर्स के भी काफी ऑप्शंस थे। सो इफ यू आर शॉर्ट ऑन स्पेस एंड आपके पास मिरर रखने की एक प्रॉपर जगह नहीं है, देन आप ऐसे हैंगिंग मिरर ले सकते हो फॉर योर रूम, इवन फॉर योर ड्रॉइंग रूम। कील में एक जगह बस टांग दो, ज्यादा स्पेस भी नहीं लेते एंड एट द सेम टाइम एम्बियंस को भी एम्प अप कर देते हैं। ड्रॉइंग रूम में भी लगा सकते हो एज अ शो पीस एंड अगर आपको किसी पीस में पेंट हल्का लग रहा है या आपको दोबारा पेंट करवाना है सो हैंड टू हैंड वो भी हो जाएगा यहाँ पर। देन दिस इज शॉप नंबर 117। यहाँ पर आपको कुशन की बहुत यूनिक एंड क्वर्की वैरायटी देखने को मिलेगी। अगर आपके सोफे एकदम प्लेन है तो ऐसे चटाक कलर्स के कुशन ऐड करो एंड एकदम से ना लुक ही चेंज हो जाता है। लाइक लुक एट दिस वन, सच अ प्रिटी कलर कॉम्बिनेशन ना, एंड ये आपको सिर्फ 200-300 में मिल जाएगा, वेरी अफोर्डेबल। आपको ना बंजारा मार्केट में वुडन की अतरंगी चीजें बहुत देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये चरखा, साइकिल, वुडन की तोप एंड पता नहीं क्या क्या यार, सारी अनएक्सपेक्टेड एंड एंटीक चीजें होती है यहाँ पे। ये वुडन की सर्विंग प्लेट्स देखो, मुझे ना घर आकर रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं ली बिकॉज दे आर लुकिंग सो गुड ऑन कैमरा। ये साइड टेबल यार ऐसा लग रहा है जैसे किसी राजा महाराजा का टेबल हो, एकदम 100 साल पुराना, बहुत ही रॉयल फील है इसका। एंड लुक एट दिस ग्लोब, हाउ कूल इज दैट, इमेजिन करो आपके घर के एक कोने में ये रखा हुआ है, कितना यूनिक लगेगा। ऐसे ना वुडन के ढेर भी पड़े होते हैं यहाँ पे, सो इसमें यू रियली हैव टू डिग इन टू फाइंड आउट दैट वन पीस। जैसे मुझे ये चॉपिंग बोर्ड दिखाता एंड मैंने ये राउंड वुडन ट्रे भी ढूंढ ली थी जिसमें आप ब्रेकफास्ट सर्व करो या अपनी वैनिटी टेबल में आप इसमें ज्वेलरी रख सकते हो अपनी, एंड ये था सिर्फ 300 रुपीज का। एंड ये दिवाली के लिए टी लाइट कैंडल होल्डर जो इस बार बहुत वायरल हुआ था, यहाँ ना आपको सब कुछ मिल सकता है। नेक्स्ट वी फाउंड दिस शॉप जहाँ पे सिर्फ वुडन फर्नीचर मिल रहा था एकदम एंटीक फिनिश के साथ। लुक एट दिस चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, इसके हैंडल्स देखो एकदम पुराने जमाने वाली वाइब है। इसका प्राइस मुझे 3-4 हजार बताया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आप बार्गेनिंग जरूर करना। नाउ यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े वो दादाजी वाले संदूक भी थे, काफी रॉयल स्टोरेज ऑप्शन है ये, बट ये काफी एक्सपेंसिव बताया था मुझे। इसी से मिलता जुलता इसका छोटा भाई छोटू संदूक भी था यहाँ पे, ये तो हम डेफिनेटली अपने घर में रख सकते हैं बिकॉज छोटा है तो स्पेस भी कम लेगा। एंड ये इतना क्यूट बालकनी के लिए चेयर एंड टेबल सेट दिखा मुझे, मेरी बड़ी बालकनी होती ना तो मैं ये अभी ले जाती। ये दादाजी वाली चेयर भी थी जिसका प्राइस 2000 बोला था मुझे एंड मैंने खुद बैठकर पूरी फील ली थी इसकी एंड आई वॉज एंजॉइंग अ लॉट। नाउ ये जो शॉप है ना, दिस इज शॉप नंबर 77 एंड ये आपको एकदम लास्ट में जाकर दिखेगी। यहाँ पे सारे फ्रेश पीसेस अवेलेबल थे, बहुत अच्छे से कलेक्शन उन्होंने अपना मेंटेन कर रखा था। ऐसे आपको अलग अलग मोर, फिशेस, पैंथर एंड ये शायद जगुआर का सिंबल है, ऐसे शो पीसेस आप अपने टीवी कैबिनेट या डाइनिंग टेबल के सेंटर में रख दो एंड दे लुक सो गुड। यहाँ पर ऐसे यूनिक पीसेस थे जो मुझे पूरे बंजारा मार्केट में तो नहीं दिखे, जैसे ये लीव्स देखो एंड लुक एट द कलर ऑप्शंस, रोज गोल्ड, प्रॉपर मेटालिक, सिल्वर, रस्टी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड एट दिस शॉप। एंड इफ यू डोंट प्रेफर दैट चटाक गोल्ड सो आपके पास सिल्वर में भी काफी ऑप्शंस थे यहाँ पर, जैसे सिल्वर कैंडल होल्डर्स, इसके अंदर आप टी लाइट कैंडल्स लगा सकते हो एंड बहुत कोजी सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है ऐसी छोटी छोटी चीजें। ये ट्रे मुझे बहुत पसंद आई थी फॉर 500 रुपीज, यू कैन कीप दिस इन योर वैनिटी,
वैन, इसमें आप ज्वेलरी रख सकते हो, इवन मेकअप प्रोडक्ट्स भी आप इसे डिस्प्ले में लगा सकते हो। आई एम नॉट गोना लाई, शो पीसेस मुझे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगे, बट ऑन दी अदर हैंड ऐसे एंटीक एंड रस्टी लालटेन्स, हैंगिंग लैम्प्स, इनका प्राइस मुझे सही लगा 150 and 200 की रेंज में। सो हमने हर चीज अच्छे से कवर कर ली है, अब फटाफट से घर चलते हैं एंड लेट मी शो यू व्हाट ऑल आई गॉट फ्रॉम बंजारा मार्केट। हेलो, सो दिस इज फ्यू डेज आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम बंजारा एंड नाउ इट इज हॉल टाइम। इट इज क्वाइट हैवी, पहले हम इसे साइड में रख लेते हैं। ओके, सो फर्स्टली अ क्विक अपडेट, बंजारा मार्केट से आने के बाद आई फेल सिक बिकॉज ऑफ चेंज इन वेदर। दिल्ली का वेदर पता नहीं क्या ही हो रहा है, एकदम से बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, फिर कभी गर्मी लगने लगती है, फिर एकदम से बरसात का मौसम चालू हो जाता है यहाँ पे। एंड अगर आपको मेरी वॉइस अजीब लग रही थी पीछे वॉइस ओवर में, एंड इनफैक्ट अभी भी, दैट इज बिकॉज आई स्टिल हैव कोल्ड, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे यहाँ पे चीक्स के अराउंड ब्लिस्टर्स हो गए हैं एंड दे आर पेनिंग अ लॉट। लाइक मैंने अभी नंबिंग क्रीम लगा रखी है, सो मुझे ये वाला हिस्सा अपना फील ही नहीं हो रहा है, सो दैट इज द रीजन आई मे साउंड वियर्ड। एंड अभी मेरा थोड़ा मुंह भी टेढ़ा लग रहा होगा, सो या ये थी मेरी दुख भरी दास्ता। चलो नाउ लेट्स बिगिन विद दी हॉल। पहले होम डेकोर की बात कर लेते हैं बिकॉज उसमें एक दो ही प्रोडक्ट है। सो जो पहला मेन हीरो है हमारा इस हॉल का, दैट हैज टू बी दिस लैम्प स्टैंडिंग बिसाइड मी। लाइक ये मेरा फर्स्ट परचेज था बंजारा मार्केट में, घुसते ही सबसे पहले मैंने ये लिया था बिकॉज मैं घर से ही मन बना के गई थी कि मैं एक लैम्प तो लेके आने वाली हूँ बिकॉज मुझे अपने यूट्यूब सेटअप को अपग्रेड करना था। एंड कितना अच्छा लग रहा है यार ये यहाँ पे रखा हुआ है ना, सो काफी न्यू एडिशन है ये और अच्छा एडिशन है। एंड ऐसा सेम मिरर मैंने अमेजोन पे देखा था 1700 का, बट ड्रम रोल्स, मैं बंजारा मार्केट से इसको लेके आई हूँ सिर्फ 750 रुपीज में। उन्होंने मुझे 1500 या 1400 इसका कोट किया था एंड आई न्यू कि मुझे इसका हाफ प्राइस करना है। इस लैम्प की जो सबसे अच्छी बात है, मैं लिटरली इसको उखाड़ के ले रही हूँ बिकॉज आई नीड टू शो यू गाइज, दैट इज यू कैन एक्चुअली एडजस्ट द लेंथ ऑफ दिस लैम्प। जो इसके लेग्स है आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। हाउ, लेट मी शो यू। यहाँ पे स्क्रू दिए हुए हैं, यू नीड टू जस्ट अनलॉक इट एंड स्लाइड करके इसके लेग्स को आप ऊपर ले जाओ एंड यहाँ पे जस्ट अनलॉक कर दो, लॉक कर दो आई मीन, एंड टड़ा, आपका ये लैम्प बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, जितनी लेंथ आपको इसकी चाहिए आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। सो मुझे यही सबसे खास बात लगी थी इस लैम्प की। लाइक वहां पे और भी लैम्प थे जो मुझे 500-600 में मिल रहे थे, बट उसमें ये ना ये एडजस्टिंग वाला ऑप्शन नहीं था कि आप लेंथ एडजस्ट कर सकते हो। सो दैट्स वाई मैं इस लैम्प के साथ गई एंड आई थिंक इट्स अ प्रिटी गुड डील एट जस्ट ₹750। सो नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस फ्लावर वास, सेरेमिक फ्लावर वास, एंड काफी यूनिक सी शेप लगी मुझे इसकी, काफी एस्थेटिक अगर मैं बोलूँ तो। वी ओनली गो फॉर एस्थेटिक्स राइट, सो अगर यहाँ पे कोई टेबल हो उसके ऊपर मैं ये रख दूँ विद अदर एलिमेंट्स एज वेल तो काफी अच्छा लगेगा ये। एंड दिस इज जस्ट फॉर ₹75 आई थिंक, या 70 या 75 रुपीज। यू कैन कीप योर फेक फ्लावर्स और इवन रियल फ्लावर्स अगर आपको मिल रहे हैं तो, मुझे तो नहीं मिल रहे तो मैं तो फेक फ्लावर्स ही रखूंगी इसमें। सो या ये थे मेरे दो होम डेकोर आइटम्स। अब हम बढ़ते हैं किचन आइटम्स की तरफ। बेसिकली मैंने क्रॉकरी ज्यादा ली है। सो दिस इज अ वेरी क्यूट कप एंड सॉसेस सेट एंड आई मीन जस्ट लुक एट दिस, हाउ क्यूट डज इट लुक, ओह माय गॉड। एंड इसका प्राइस ना, मतलब मैंने ना ये सेम कप सेट एक इंस्टाग्राम स्टोर पे या फिर कोई वेबसाइट है प्रॉपर, वहां पे देखा था आई थिंक 300 या 500 रुपए का, एंड आई गॉट दिस फॉर ओनली ₹100, मतलब बोथ ऑफ देम फॉर जस्ट ₹100। जस्ट लुक एट दी पैटर्न, इतने एस्थेटिकली इसमें दिल दिल प्रिंट हो रखे हैं। आई एम समबडी जिसको ना दिल दिल वाली चीजें बहुत ऐसे क्रिंज लगती हैं, बट जब मैंने ये देखा ना आई वॉज लाइक कि नहीं, इट्स क्रिंज बट इट्स क्यूट, इट स्क्रीम्स क्यूट, सो आई हैव टू गेट इट। आई जस्ट लव इट, इट्स लाइक दिस परफेक्ट वैलेंटाइन गिफ्ट दैट आई नो आई एम नेवर गोना रिसीव, सो मैंने अपने लिए खुद ही खरीद लिया। सो नेक्स्ट आई गॉट दिस रामेन बोल एंड आई मीन जस्ट लुक एट दिस, कितना ही ऐसे कोरियन वाली वाइब्स दे रहा कि मैं साउथ कोरिया में बैठ के रामेन खा रही हूँ। ये आई थिंक मुझे भैया ने इसका प्राइस कितना बोला था, 200 बोला था, एंड आई वॉज लाइक, मैंने उनको 80 रुपीज बोला एंड वो एकदम से मान गए, मतलब उन्होंने कुछ बोला भी नहीं कि नहीं नहीं 80 रुपीज तो बहुत कम है। सो ही वॉज कोटिंग अ लिटिल एक्स्ट्रा टू मी, 200 रुपए का तो नहीं था ये। एंड इसके नीचे ना यहाँ पे ब्रांडिंग भी हो रखी है, सो मे भी पता नहीं ये भी किसी ब्रांड का हो, बट या सीरियसली यार बंजारा मार्केट में बहुत सही चीजें मिलती हैं। अभी तो मैं उतनी शॉपिंग करके नहीं आई हूँ बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम एंड मुझे ना सब कुछ ही पसंद आ रहा था, सो मुझे ना ऐसे डर था दैट आई एंड अप स्पेंडिंग मोर, सो मैं ना बहुत ऐसे केयरफुल होकर शॉपिंग कर रही थी। बट स्टिल जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तब तो आई एम गोना शॉप माई हार्ट आउट बिकॉज नाउ आई नो कि भाई बंजारा में ना सब कुछ मिल सकता है। सो उसके बाद मैंने बंजारा से ये दो प्लेट्स खरीदी, नाउ आई एम रिग्रेटिंग कि मुझे और ज्यादा प्लेट्स खरीदनी चाहिए थी, बट ठीक है नेक्स्ट टाइम
हम सारा ऐसे बदला पूरा करके आएंगे अपना. सो दिस इज द नेक्स्ट प्लेट एंड इसके सामने ना ऐसे बहुत ऐसे रफ सा टेक्सचर दिया हुआ है विच लुक्स सो एस्थेटिकली प्लीजिंग. एंड ये वाली प्लेट भी मैंने एक वेबसाइट पर देखी थी एंड आई थिंक इट वॉज लाइक 1200 फॉर सेट ऑफ टू प्लेट्स फॉर 1200 एंड यू गाइस विल बी शॉक्ड कि आपको जब पता चलेगा कि मैं ये कितने में लेके आई. आई गॉट इट फॉर ओनली ₹80 एंड इसी के साथ मैंने एक एक क्वार्टर प्लेट भी ली है. दिस इज इन वेरी क्यूट बेबी पिंक कलर एंड इसमें बिना वो ब्लू डॉट्स ऐसे टेक्सचर दे रखा है, डॉट डॉट्स दे रखे हैं एंड यहाँ पे से स्पाइरल टेक्सचर है पूरी प्लेट में. सो अगेन वेरी एस्थेटिक, वेरी क्यूट एंड इसका प्राइस आई थिंक ₹50 था. हाँ, ₹50 फॉर अ क्वार्टर प्लेट. सो या लास्टली वी हैव सम कोस्टर्स, टेबल मैट्स, वट एवर यू वांट टू कॉल देम. गाइज ये टूट गया, शिट, कितना चूरा चूरा हो गया यार. मुझे हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है. सॉरी, मतलब सॉरी सॉरी बेबी. कोई बात नहीं, चलो हॉल खत्म करते हैं. प्लीज लाइक दिस वीडियो गाइस, प्लीज, तुम्हारी वजह से ना मेरा एक वास टूट गया है. प्लीज लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, 1 like is equals to 1 prayer. सो ये था मेरा वो कोस्टर जिसको दिखाने की वजह से मेरा वो बेचारा वास ही टूट गया. बट या दिस इज हाउ द कोस्टर लुक्स लाइक, ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है ये. एंड ये मुझे पड़ा था ₹80 का या फिर ₹100 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. थोड़ा महंगा लिया है ये मैंने बिकॉज मैंने आगे वाली दुकान से दो पोस्टर्स लिए फॉर 150 फॉर टू पोस्टर्स. सो ये वाला मुझे थोड़ा महंगा पड़ा. काफी अच्छे से पैकेजिंग पैक कर रखा है भैया ने इसको. सो या दीज आर दी टू पोस्टर्स एंड लुक एट दैट, कितने सही लग रहे हैं ये दोनों. उस ब्लैक वाले से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, है ना. सो दिस इज हाउ इट लुक्स, पाउडर ब्लू एंड व्हाइट के कलर कॉम्बिनेशन में है, वेरी क्यूट एंड वेरी सटल. एंड जो दूसरा है थोड़ा वो इंडियन एस्थेटिक्स की तरफ है, वेरी नाइस मंडाला, आई थिंक इसे मंडाला ही बोलते हैं ना. सो मंडाला पैटर्न में है ये. एंड लेट मी टेल यू, इसका प्राइस ना वो आपको 150 ईच बोलेंगे, बट जरूर बार्गेन करना. जैसे कि मैं ये दो लेके आई इतने सुंदर सुंदर कलर पैटर्न में फॉर 150 फॉर टू. एंड ये वाला थोड़ा महंगा ले लिया था मैंने बिकॉज मुझे पता नहीं था कि आगे मिलेंगे या नहीं. बट हाँ, आपको एक आइडिया मिल गया कि वो डबल ही बोलते हैं हर चीज का, तो आप बार्गेन जरूर करना. एंड या दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा बंजारा मार्केट का हॉल अच्छा लगा हुआ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे मैंने पूरी बंजारा मार्केट कवर करी है एक एक चीज में डिटेल में, वो आपको पसंद आया होगा. एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को for more such videos and I'll see you next time. Bye. And don't forget, 1 like is equals to 1 prayer.